दुनिया के हर कोने में जहाँ पर उर्दू हिंदी समझी जाती है, बोली जाती है और मुझे देखा जाता है, मैं उन सब बहन भाइयों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और नेक तमन्नाएं पेश करता हूँ। आज मैं बच्चों के हवाले से चार मेडिसिन्स आपको बताऊँगा। मैंने ऑब्ज़र्व किया है, देखने में ये आया है कि बच्चों में कब्ज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत तकलीफ़ होती है बच्चे को अपनी जगह पे, और माँ बाप भी बहुत परेशान रहते हैं, बल्कि पूरा घर परेशान होता है। ऐसी कब्ज़ें मैं देखता हूँ कि बच्चों में इस तरह की शदीद कब्ज़ पाई जाती है। असल में वजह हमारी खुराक, हमारा रहन सहन, और फिर वो खुराक जो माँ बाप खाते हैं उसी का असर बच्चों में जाता है। तो मामला सिर्फ ये है। मैं यहाँ पे लंबी बात नहीं करूँगा, मैं आपको टू द पॉइंट बात करने के लिए एक शॉर्ट वीडियो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता था, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तकरीबन हर दूसरे तीसरे बच्चे में कब्ज़ का मसला होता है और माँ बाप उसकी वजह से बहुत परेशान होते हैं। तो दोस्तों, एक तो मदर फीड का ख्याल रखें कि बच्चों को मदर फीड पे रखें, इधर उधर की चीज़ें बच्चों को ना दें, कम अज़ कम पहले 6 महीने जो हैं ये तो मदर फीड बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद मेडिसिन जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें एल्यूमिन और ओपियम दोनों को 30% में लें। आप इनको बेशक मिक्स कर लें और 3 कतरे 1 चम्मच पानी में डालें और सुबह दोपहर शाम बच्चों को पिलाएं, और एक लंबे अरसे तक पिलाएं। बच्चे ठीक भी हो जाएं फिर भी इनको पिलाते रहें और एक लंबे अरसे तक पिलाएं, उसके बाद छोड़ें। इंशाल्लाह बच्चों की कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। और इसी कब्ज़ के लिए, बच्चों की कब्ज़ के हवाले से एक और कॉम्बिनेशन है जिसे आपने अलहदा से बनाना है। इन दोनों कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन आपने इस्तेमाल करना है। ब्रायोनिया अल्बा और नक्सवामिका, सॉरी, ब्रायोनिया अल्बा और नक्सवामिका 30% में लेना है, और इसी तरह 3 3 कतरे 1 चम्मच पानी में डालें। पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, और बच्चे को सुबह दोपहर शाम पिलाएं और एक लंबे अरसे तक पिलाएं। इंशाल्लाह बच्चे को कभी कब्ज़ नहीं होगी। बच्चा जो खाए पिएगा अच्छे से हज़म करेगा और अच्छे से हल पोटी करेगा, पेट उसका अच्छे से साफ़ होगा। तो आप इंशाल्लाह अपने भाई को दुआओं में याद रखेंगे। ये कॉम्बिनेशन जो है किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बेज़र दवाएं हैं दोस्तों। साइड इफ़ेक्ट वाली मेडिसन्स अफादियत अपनी जगह पे होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तमाम दुनिया में मेरा ये होम्योपैथिक मेडिसन्स की तरफ आने का मैसेज पहुँचे और आप लोग इस तरफ आएँ। आप यकीन करें, होम्योपैथिक मेडिसन्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं और बेज़र हैं, किसी किस्म का इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह मज़ीद किसी वीडियो के साथ और किसी अच्छे पैगाम के साथ, किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाज़िर हूँगा। तो इसके साथ साथ मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि मेरी होम्योपैथिक इन्फॉर्मेशन जो होती है उसे आप ज़रूर सुना करें, अपने दोस्तों में शेयर किया करें। उसके बाद मेरी हौसला अफज़ाई के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और अगर मेरी ये काविश आपको अच्छी लगती है तो कमेंट्स में मुझे अप्रिशिएट ज़रूर किया करें, ताकि मेरी हौसला अफज़ाई हो और मैं इसी हौसला और हिम्मत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी देता रहूँ। दोस्तों, डॉक्टर जाफ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।